अंतर्जातीय महिला दिवस ए अवसर में ब्रह्मपुर कान्हा चैरिटेबल ट्रस्ट पक्ष निरा भाव में होली उत्सव पालन कर अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में एमकेसीजी मेडिकल एक सचेतनता रैली बाहरी शोभायात्रा परिक्रमा करने कमापल्ली में पहुंची कमापल्ली एक घर शिक्षानुष्ठान महिला एकत्रित हो होली खेली आज हूँ रंगर पर्व होली एवं यह सहित जेहेतु अंतर्जातीय महिला दिवस रही जहाँ ब्रह्मपुर सहरवासी मध्य गोटे उत्साह देखा मिलती जो ब्रह्मपुर सहर कान्हा चैरिटेबल ट्रस्ट ठार आरंभ कर अन्यान्य जो महिला संगठन मान रही एकत्रित होती जहाँकि ब्रह्मपुर एमकेसी मेडिकल एक जो सचेतनता शोभायात्रा बाहरी बर्तमान कमापल्ली स्थित एक घर कार्यालय पहुंची से महिला दिवस सांग को होली पर्व पालन करेंगे आम सहित अनेक गुड़े महिला अच्छा से सहित सीधा भाव आलोचना गोटे पटे महिला दिवस अंपटे होली सेलिब्रेशन कर आमे तो 365 डे काम करछु किंतु आज गोटे समस्त सांगरे मिसिकरी जो होली पर्वटा आम खेलुचु आ खुशी बांटुचु सेटा आज आमको बहुत खुशी लगुच्छे आउ जो वुमेन्स डे आम से आम साप्ताहिक दिवस पालन करछु आमर डिपार्टमेंट तरफ आज पदयात्रा आसिक समस्त मान यही सचेतनता जनाऊु कि आम महिला मैंने भी क्या कम ना हाँ निश्चित भाव मोर समस्त विश्व महिला दिवस समस्त शुभकामना आज विश्व महिला दिवस आम जो रंगर पर्व पवित्र पर्व जो समस्ते आम जो मैंने होली पालन करें समस्त खुशी अच्छे कि आमर आज जो पदयात्रा थी प्राय 2 किलोमीटर जे ये आम जो पलिथिन मान पलिथिन को जमी आम दूरे रखा जो पलिथिन द्वारा आम आगामी भविष्य अंधकार होगा जाऊँ आमर जो परेश दूषित होगा जाऊँ आम चाहूँ पलिथिन टू समस्ते दूरे रुंतु और समस्ते ये रंगर पर्व होली को समस्ते खुशी सहित पालन करूँ धन्यवाद फास्ट मुझे आज हूँ आंतर्जातिक महिला दिवस 8 मार्च समस्ते मैंने मो तरफ समस्त महिला दिवस हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना ता सहित होली पर्व जो आज मानने एत वर्ष पर जो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करुचु बहुत भल लगुच समस्त रंगर पर्व को उत्साह सहित आनंदर सहित पालन करूँ यही मुझ समस्त कहबी थैंक यू आज जेहतु होली महोल अच्छी तो वुमेन मैंने सेलिब्रेशन करने बहुत बड़ा सुजोग गोटे पाई तो समस्त एंजय करूँ तो बहुत खुशी लगुच जेहेतु कि आज डबल धमाका आम पे हैप्पी होली पुड़ी आमर महिला दिवस सब नारी मन को महिला मन को कहवाक चाहूँगी जे घर चारिकांत भितर न रही समस्ते गोटे सुस्थ समाज महिला गठन करा बहुत खुशी लगुच से सबुब नारी आगे रुहतु एति मोर कामना जेहेतु आज दुई दुईटा पर्व आज आम सामने गोटे प्रथम हूँ विश्व महिला दिवस आंतर्जातिक महिला दिवस समस्त को स्वागत से शुभेच्छा से होली शुभकामना दुई दुईटा एका सांगे पड़ी थी बहुत खुशी लगुच नारी सब महान सब क्षेत्र में महान नारी गोटे दिन कौन 12 मास 365 दिन भी कम किंतु गोटे दिन जेहेतु मिली आम पूरा भरपूर एंजय करा चाहूँ प्रति घरे यही बार्ता देवा चाहूँ समस्ते नारी मानक सम्मान दिं और समाज रु जो नारी मान सहित तो शोषण हो सब कुछ दूरे रखी कह आंतर्जातीय महिला दिवस को संपूर्ण रूप पालन करें देखा मिली खुशी महोल ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया पवित्र होली अवसर में गांठ सहर चारिआड़े उत्सव माहौल परस्पर को अबीर लगाई होली पालन करुछंती लोके भद्रक विधायक संजीव मल्लिक और सांसद मंजुलता मंडल भद्रक नुआ बसस्टाण निकट में सकाळु खटीर शुभ उन्मोचन करी अति आनंद उल्लास सह होली उत्सव पालन करिछंते बहु युवक एही नियारा होली उत्सव पालन करिबा पई सकाळु खटीर एकजुट होई भद्रकवासी को होली शुभेच्छा जणाइछंती रंगर पर्व होली केमिति भद्रक रंगर ये जो होली पालन करुछंती विधायक एमपी अछंती तांकर आम प्रतिक्रिया नबा एवं जो सकाळर खटी जो शुभ उन्मोचन होइछि ता कोन कहिबे ये जो सकाळर खटी जो शुभ उन्मोचन हला एवं आज जो होली पर्व पालन करछन से संपर्क आमर एटी प्रत्येक दिन सकाळे खटी हुए आज जो सकाळर खटी उद्घाटन करबा पई आमे सम्माननीय एमपी महोदया एवं माननीय विधायक को आमे डाकिथिलु सी आसते और आम गहन आज होली खेलें आम से समस्त निकट में कृतज्ञ विशेषकर एमपी और एमएलए निकट में आम अधिक कृतज्ञ भद्रक सहर आज रंगर ये महोत्सव समस्ते माति जाइंटे होली खेल में समस्ते खुशी आनंद से खेल आज सका बगुरा ठार कम सारी बर्तमान आम सका चा खटी जो अच्छी
प्रवीर बाबू आम जे भाइस चेयरमैन प्रतिनिधि अच्छा एवं एमपी अच्छा आम मुक्ति धामनगर पूर्वतन विधायक अच्छा बहु आम युवक मैंने ये सामिल होती होली पर्व मु समस्त गोटे कथा कह आसतु आनंदर सहित आज दिन में समस्ते खुशी होली खेल एवं समस्त भितर थिबा जो आनंद भारी आसु एवं समस्ते आंतरिकता सहित यही होली पर्व पालन कर जो कथा विधायक कहते आंतरिकता सहित ये होली की पालन करम पाखे अच्छा सांसद मंजुलता मंडल आम प्रतिक्रिया ना प्रथम संसदीय क्षेत्र भद्रक समस्त भाई भी मानकूम दोल पूर्णिमा होली उपलक्षे समस्त अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनावि आम उत्कलय जो संस्कृति रही परंपरार ज्वलत निर्देशन दोल पूर्णिमा और होली तेणु होली उपलक्षे आम विधायक उपस्थित अच्छा भाइस चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीर बाबू ठार आरंभ कर पूर्वतन विधायक नृतिकांत मंडल आम समस्त चा खटी में बस समस्त भाई मान को मोर अनेक शुभेच्छा ए होली हूँ स्नेह श्रद्धा और शांति मैत्रीर पर्व तेणु भद्रक हूँ भाईचारार माटी तेणु भाईचारार बार्ता नहीं स्नेह श्रद्धा मैत्रीर बार्ता नहीं आम समस्ते आग को बढ़िया और समस्ते आज आनंद सहकार होली पर्व पालन कर आज पवित्र होली उत्सव समस्त मन में एक आनंद उल्लास कारण दु वर्ष धरी कोरोना कटकन ये उत्सव पालन हो पार ना आज भद्रकर माननीय सांसद ये अच्छा माननीय विधायक अच्छा भाई चेयरमैन को प्रतिनिधि अच्छा आम पंचायत समितर अध्यक्ष स्वागत जनाऊु जे धन्यवाद देवी माननीय विधायक को भद्रकर एकमात्र पार्कटे हूँ माँ दक्षिणेश्वरी पार्क ये सब वर्गर लोक प्रतिदिन सका सज आसती निजर व्यायाम करने चलवापी निजर शरीर सुरक्षापी एणु एटी जो सका खटी ये गोटे चा खटी ये हूँ सका खटी में सब वर्ग लोक मैंने प्रतिदिन संगठित हमें जहा हूँ आज समस्त को आनंद दे प्रभुर बाबू को धन्यवाद देवी जे सका खटी जे आज उन्मोचन है आनुष्ठानिक भाव पवित्र होली उत्सव उपलक्ष्य समस्त को अभिनंदन आ विशेषतः मुक्ति भाई को आमर एमपी मैडम को आमर बणु भाई को आमर एमएलए सार को आज अनेक अनेक धन्यवाद जे आम यहाँ गोटे जो सका खटी ये आम मुक्ति भाई आमको देते प्रपोजाल गोटे आम करने आज आम एकजुट होली उत्सव पालन करुँ बहुत आनंद सहकारे जो कथा कहते भद्रकर ये जो होली पर्व जो पालन करा शांति सौहार्द भितर पालन कर आगामी दिन में यह एक बड़ रूप नब बोल भद्रक तपन स्वयं न्यूज 18 ओडिया सुवर्णपुर जिले में बेस धूमधाम से पालित हो जाएगी होली रंग एवं अबीर बोली परस्पर को शुभेच्छा जणाइले लोके सेपटे दोल मिलन पड़िया हरि एवं हरंक मिलन होइछि हजार हजार एकाठी होइ प्रभु दर्शन करिछन्ते सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर काही केते दिनरु हरिहरंक भेट होइ आसुथुवा बेले दुई वर्ष हैला कोरोना कटकणा जको बंद होइथला चलित वर्ष धूमधाम से पालित होइछि हरिहरंक दोल ओ मिलन यात्रा परे परे पश्चिम ओडिसार पारंपरिक वाद्य ताले ताले नाची होली मनाउछन्ते यही होली को नहीं बहुत धूमधाम रे आज बाद्यर ताले ताले नाचुवार देखा जा पश्चिम ओडिशार पारंपरिक बाजार आज दुलुक उठुची एवं होली को बहुत आनंदर उत्सवर सहित पालन करुछंती तबे सीधा सड़क प्रतिक्रिया नेबा होली को किपर भाव पालन करुछंती आ बहुत खुशी रो सहित होली को पालन करुजो आ बहुत मजा लागुजे खुशी लागुजे आर हैप्पी होली सर नहीं होली तो बहुत मजा लागुजे आंको आर हमर एटा गुटे बड़ पर्व बीएमपुर लगी आर हमें सब वर्ष एंता हमर एरिया रे हमें एंता दुलदुली बेन पार्टी धरी करी हमें पालसु आर बहुत खुशी लागुजे इतरो बहुत संख्या रे लोग हमर इने हे जन एटा काणा कमे आज्ञा होली तो बहुत मजा मजलिस करुचु रंग पर्व माखिक आम आम वीर महाराजपुर लगे बड़ पर्व ये आज्ञा आर बहुत खुशी कर बहुत एंजय कर होली को नहीं सीधा सड़क देखा तेरे पारंपरिक लोकवाद्य बजाऊँच आज्ञा केमती लगुच बाद्य बजाऊँ होली होली आज्ञा आसीचु नारायण दुलदुली तेलीपाली आसूँ आम ये कर्म चलचे आज्ञा यहाँ सब वर्ष आसचु बहुत बढ़िया लगुचे बल खुशी आम रोज आज्ञा धन्यवाद आज्ञा तबे होली को बहुत खुशी रे मनाउछन्ति तबे देखि पारुथिबे विजुअल को किपरि भावरे वाद्य बजाउछन्ति एवं नाच नाचुछन्ति वाद्यर ताले ताले सेमाने नाचुछन्ति आनंदर पर्व होली को बहुत धूमधाम रे सेमाने पालन करुछन्ति तबे वीर महाराजपुर अंचल रो स्वतंत्रता रहिछि एठारे कोनोसी रासायनिक पदार्थ
होली खेला जाए नहीं, केवल फगु खेल हुए, हरिहर भेट हुए, हरिहर भेट शेष हेले यही पारंपरिक जो लोकवाद्य पश्चिम ओडिशा बाजा रो तले तले एमाने होली खेली थी बहुत आनंद सहित। महाराजपुरु सत्यवान पुरोहित, न्यूज 18 ओडिया। एबे समय छ एक ब्रेक र, ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप र प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। होली कुने सारा देश उत्सव मुखर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे जमुछि रंग उत्सव, सेपटे बनारस रे रंग अबीर सह फूल रे हेला होली। कमिंग अप र प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। क्या खुशबू है यार। राउरकेलार जमुछि रंगर पर्व होलीर माहौल, सबुठि हसखुशीर परिवेश, परपुष्पक अबीर लगाई पालन करुछन्ते होली, रंग खेलरे मतवाला हेउछन्ते समस्ते। होली सेलिब्रेशन रे जमुछि हातगुता एवं खियापिया। फगुण आणिछि रंग, रंग खेलरे मतवाला हेउछन्ते समस्ते। भुवनेश्वर आरंभ होइछि रंग लगा, परस्परक अबीर लगाई होली पालन करुछन्ते लोके। होली सेलिब्रेशन रे नाच गीत एवं खियापियार आसर जमिछि। पुरुणा कटकणा नथिबारु एथर होलीरे बेस जमिछि रंग खेल, सेपटे होली बेले मौज मजलिस नारे निशाग्रस्त नहेबाकु परामर्श देइछि पुलिस। भुवनेश्वर कटक ट्विन सिटीरे निशाखाई उत्सव आयोजन उपरे नजर रखिछन्ते पुलिस स्पेशल स्क्वाड एवं 360। भुवनेश्वर मोड 31 स्थानरे पिकेटिंग कराउछि, 17 मोबाइल पेट्रोलिंग टीम मुतयन होइछन्ति। भुवनेश्वरे मुतयन होइछन्ति 15 प्लाटिन फोर्स, सेभळि कटकरे जगिछन्ति 15 प्लाटिन फोर्स। अग्निशम विभाग पक्षर नदीघाट गाधुआ तुठगुड़िक तीक्षण नजर रखी, रंग खेल बेले रासायनिक रंग ठू संपूर्ण दूर रहाक परामर्श दी। रंग खेल पूर्व देहर तेल लगे दरकार। गांव सहर माहौल सबुठ रंगीन, कटक्रे समस्त निज प्रियजन को रंग लगे होली शुभेच्छा जनाऊंट। कोरोना कटक नटक्रे समस्त खुशी रंग खेल में मजगुल होली माहौल, अबीर रंग में रंगीन होती परिवेश, पिला ठू बुढ़ा समस्ते परस्पर को अबीर लगाए होली सेलिब्रेशन कर। ढेंकाना जिले में अबीर रंग में चारिआड़े उत्सव माहौल देखा मिली, परस्पर को अबीर लगाए होली पालन करते समस्ते। अबीर सांग को मीठा पिठार आसर भी जमी। होली को नहीं सारा देश है रंगीन, यह समय सामनाक आसी टीम इंडिया होली सेलिब्रेशन वीडियो। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्यान्य खेलाड़ी को ऊपर को फिंगी अबीर खूब जमी रंग। समस्त मुहरे लगी रंगर दाग, टीम बस भितर एमती होली पालन करते क्रिकेट टीम खेलाड़ी माने। सुमन गिल यह वीडियो को इंस्टाग्राम रे शेयर करने पर फैन बेस पसंद कर लाइक और कमेंट कर। भिडियो देखा मिली रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुभमन गिल और श्रेयस आयर होली खेली बेस मजा उठाई रंगर पर्व। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष चतुर्थ टेस्ट आगर भारतीय दल अहमदाबाद में पहुंची सारी, ए समय भारतीय क्रिकेट टीम होली सेलिब्रेशन कर। देशवासियों को होली अभिनंदन जनाई प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर आपण समस्त जीवन सबुबले आनंद और उत्साह भरी जाऊ।
ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ହୋଲି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଡମ୍ପର ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୋଗରାଇ ଅନନ୍ତପୁର ଛକରେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଡମ୍ପରକୁ ଜାଳିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଢାକା ଗୁଲିସ୍ତାନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ବହୁତଳ ଅଫିସରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେବା ସହ କୋଠା ଜଳିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ 11 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଆହତଙ୍କୁ ଢାକା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତର ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶ ପୁଲିସ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଗତ ରବିବାର ଢାକାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଏଥିସହିତ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାତିଲ କରିଛି ମିଲିଟାରୀ ପରେଡ୍। ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଲିଟାରୀ ପରେଡ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ପରେଡ୍ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ତା'ର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେନା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଦେଶୀ ଋଣ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହାୟତା ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି IMF ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମିଲିଟାରୀ ପରେଡ୍ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ସେହବାଜ ସରକାର। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି PTI ସମର୍ଥକ। ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଦିବସରେ ମିଲିଟାରୀ ପରେଡ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଲିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯେଉଁଛି ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ, ସେପଟେ ବନାରସରେ ରଙ୍ଗ ଅବିର ସହ ଫୁଲରେ ହେଲା ହୋଲି ଖେଳ। ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇସ୍ରୋ କକ୍ଷପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ମେଘା ଟ୍ରଫି କ୍ୟୁ ଜୁଆନ ନାମକ ଉକ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହକୁ ତା'ର କକ୍ଷପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଘାଟିରେ ପୁଣି ସେନାକୁ ସଫଳତା। ଏଥର ସେନା ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବାରମୁଲା ପୁଲିସ। ଗିରଫ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁର୍ସିଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଏବଂ ରିଆଜ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2 AK-47 ବନ୍ଧୁକ, 15 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, 2 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଲସ୍କରର 2 ବ୍ଲାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି ବାରମୁଳା ପୁଲିସ୍। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଲୋଡ଼ିରେ ହୋଇପାରିବନି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥବୋଧକ ସଂଳାପ ଅଭିନୟ ବିମନା। ଯାତ୍ରା ଓ ମେଲୋଡ଼ି ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ତାବଳୀରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନଖଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡାଟୋପା ରେଞ୍ଜ ତଲେଇ ପଥର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଏକର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ହୁହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ବହୁ ସରୀସୃପ ଏବଂ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ନିଆଁ ଆଉ ଧୂଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖବର ପାଇ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, 38 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଖରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ଶେଷ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 10 ଦିନରେ 6,37,000 ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ। କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ଲା ମୁହାଣରେ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ଲା ମୁହାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ତା ପୁଣି ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1,84,000 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6,37,000 କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 45 ରୁ 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିରେ ରହିବା ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି କଇଁଛ ଛୁଆ ବାହାରିବେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବେ। 50 ଦିନ ସମୟ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ। ରେକର୍ଡ ପଛରେ 3ଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ମ୍ପେଟା ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ବନ ବିଭାଗ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଖିଲା ମୁହାଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲା ନିକା। ମୁସଲିମ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଛି ବିବାହ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିମଲାର ଠାକୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଛି ମୁସଲିମ ବାହାଘର। ଉଭୟ ବରକନ୍ୟା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନିକା, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।